हेलो दोस्तों, आप सबको शालोस किचन में स्वागत है। आज मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ एक स्पेशल फिश करी विद कैप्सिकम। चलिए इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हम देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है फिश, ये फिश हलवा फिश है, और इसके लिए एक चम्मच अदरक, एक चम्मच लहसुन, और कच्चा आम एक, और दो तीन हरी मिर्च, और एक प्याज बारीक कटे हुए, और तीन टमाटो, और चार शिमला मिर्च मैंने लिया है। और हमने अभी एक बर्तन रख दिया, उसमें तेल गर्म होते ही हम राई को डाल देंगे, एक चम्मच राई, और मेथी डाल देंगे एक चम्मच मेथी, और कड़ी पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट, और हरी मिर्च, और कांदा भी मैंने डाल दिया है, अच्छी तरह से सोट कर लिया है। उसके बाद हमें शिमला मिर्च को भी डाल देना है, चार मैंने लंबा काटा था वो भी डालना है, और मैं कच्चा आम को इस तरह लंबा से काट कर रखी हूँ, और ये शिमला मिर्च भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तभी हम इसके अंदर टमाटो भी डाल देना है, और अच्छी तरह से इसे पकाना है। देखिए इस तरह वो एकदम सॉफ्ट हो गया है। अभी हम इसमें कश्मीरी चिल्ली पाउडर डाल देंगे दो चम्मच, हमने हरी मिर्च डाला था टिक्का के लिए, आप चाहे तो और भी डाल सकती हो। और अभी हम कच्चा आम को भी इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे। ये फिश करी के लिए, खट्टापन के लिए हम कच्चा आम डाला है, बहुत ही टेस्टी करी है ये, आप सब ज़रूर बना कर देखना। और ज़रा सा ऑयल भी इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से हम मिला देंगे इसको। देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी हम इसमें पानी डाल देंगे, एक गिलास पानी में डाल रही हूँ, आप चाहे तो आपको जितना आपको इसका लूज़ रखना है आप रख सकते हो, मैंने एक कप डाला है। और नमक भी डाल देना है स्वाद अनुसार, और इसे बंद करके हम इसे उबालना है तब तक बंद करके रखेंगे। देखिए उबाल आ गया है, अभी हम इसमें फिश को डाल देंगे एक एक करके, और अभी हम इसे ढक कर 10 मिनट तक पकाएंगे। ये बहुत ही एक टेस्टी रेसिपी है, ये कच्चे आम से बना हुआ फिश करी है, इसमें हम कोकम नहीं डालते हैं, सिर्फ कच्चा आम से हम बनाते हैं। इसके खट्टापन बहुत ही टेस्टी आता है ये फिश करी के लिए, आप सब ज़रूर ये बना कर देखना, और मुझे कमेंट करना और लाइक करना मेरे चैनल को। और देखिए आपको इससे ज़्यादा और थिक चाहिए तो और भी कुल्ला छोड़कर आप इसे पका सकते हो, अगर लूज रखना तो। अभी हम बंद करके इसके निकाल देंगे। अभी देखिए ये रेडी हो गया है कैप्सिकम का फिश करी, बहुत ही टेस्टी है। थैंक यू।